हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सब कैसे हैं? दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूं उसका नोटिफिकेशन आपको हर दिन मिल सके और हर दिन कुछ न कुछ आप नया सीख सकें। अगर आपको मेरे से बात करनी तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, लर्निंग टू ड्राइव राहुल मित्तल के नाम से मेरा पेज है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाके फॉलो कर लीजिए और वहां पे आपको मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी मिल जाएगा। आप मुझे FB भी फॉलो कर सकते हैं लर्निंग टू ड्राइव के नाम से। एक मेरा सेकंड चैनल है कार नॉलेज बाय राहुल, वहां पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों आज जो मैं आप लोगों को नॉलेज और जानकारी देने जा रहा हूं वो कहीं ना कहीं आप सभी के लिए बहुत ही लाभदायक है, बहुत हेल्पफुल है। और आप अगर इस वीडियो को देख लेंगे तो बन जाएंगे ड्राइविंग के बादशाह। कभी भी आपको, चाहे वो ट्रैफिक वाला एरिया हो, चाहे वो हिली एरिया हो, चाहे वो सिंगल रोड हो, चाहे वो डाउन हिल हो, कहीं पे भी आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो दोस्तों मैं बात करने जा रहा हूँ क्लच के बारे में। क्लच के आज मैं आपको 4 से 6 पैटर्न बताऊंगा कि क्लच का एक्चुअल में वर्क क्या होता है, क्लच को कब कब यूज करना होता है, क्लच को किस तरीके से हमें इस्तेमाल करना है। क्लच से गाड़ी को आप मूव कर सकते हैं, क्लच से गाड़ी को आप रोक सकते हैं, ब्रेक का कोई रोल नहीं है। लेकिन इसके लिए क्लच के पैटर्न को समझना पड़ेगा आपको, बारीकी से, बहुत बारीकी से क्लच को आपको समझना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ कि चढ़ाई, जैसे अभी मैं फ्लाईओवर पे खड़ा हुआ हूँ, आप अगर देख पा रहे होंगे तो मेरी जो गाड़ी है वो फ्लाईओवर पे खड़ी हुई है। फ्लाईओवर पे गाड़ी को रोक रोक कैसे चलाएंगे, 1 इंच भी गाड़ी मेरी पीछे नहीं जानी चाहिए। कई बार क्या होता है, आप ट्रैफिक में हिली एरिया पे खड़े हैं जहाँ पे स्लोपिंग भी है और रेड लाइट भी है, वहां पे गाड़ी आपने स्टॉप करी और जब गाड़ी को वापस आप मूव करते हैं तो गाड़ी आपके पीछे जाने लगती है। अक्सर आपको रेड लाइट पे और फ्लाईओवर पे देखने को मिलता होगा, तो पीछे जो गाड़ियां होती है वो हॉर्न पे हॉर्न देने लगती है। जो न्यू विगनर होते हैं, न्यू ड्राइवर होते हैं, वो पैनिक हो जाते हैं वहां पे, फिर उनका बैलेंस नहीं बन पाता क्लच और ब्रेक एक्सेलेटर तीनों को। तो आज मैं 2-3 चीजें आपको, ऐसी नई नई चीजें बताऊंगा जो कि आप ड्राइविंग के एकदम बादशाह बन जाएंगे। तो बिना समय गंवाए हुए हम आपसे क्लच और गियर के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले गाड़ी मेरी फ्लाईओवर पे खड़ी है, अब मैंने दबाया पूरा क्लच, अभी गाड़ी में मेरे हैंडब्रेक लगा। सबसे पहला पैटर्न, अगर आप किसी हिली एरिया पे खड़े हैं चढ़ाई वाले, सपोज कर लो ये रेड लाइट है, मैंने सबसे पहले फर्स्ट गियर डाला और क्लच का एक चीज ये ध्यान रखिएगा, क्लच का जो पैटर्न है ना, ये टो से इसको यूज करना होता है, अंगूठे वाले पोर्शन से। कुछ लोग यहाँ पे पैर रखते, कुछ लोग यहाँ रखते, कुछ लोग साइड रखते, प्रॉपर ये होना चाहिए आपका। राइट वाला पैर यू चलना चाहिए वी शेप में और लेफ्ट वाला ये देख रहिए, इससे 1 इंच ना ऊपर ना नीचे। मैंने पूरा क्लच दबाया 2-3 बार, रिलीज किया, दबाया, रिलीज किया, दबाया, अब पैर मेरा प्रॉपर एकदम कंप्लीट है। अब मैंने डाला फर्स्ट गियर, यहां से मैं हैंडब्रेक हटा देता हूं, मैंने ब्रेक दबा रखा है, ब्रेक दबा रखा है गाड़ी में। 90% जो न्यू ड्राइवर होते हैं गलती क्या करते हैं, वो गाड़ी को गियर में एक्टिव नहीं होने देते और उससे पहले ब्रेक ऐसे छोड़ देते। अब देखो मैंने ब्रेक छोड़ा तो गाड़ी मेरी धीरे धीरे पीछे, धीरे धीरे हल्की हल्की खिसक रही है। तो ये गलती नहीं करनी, पहले आप पूरा ब्रेक दबा लो, उसके बाद धीरे 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 क्लच को रिलीज करो। मैंने देखो क्लच, इंजन वाइब्रेट करने लगा, इंजन वाइब्रेट कर रहा है, देख रहे हैं इंजन वाइब्रेट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि गाड़ी मेरी पूरी तरीके से गियर में एक्टिव हो गई। मैंने क्लच छोड़ा, गाड़ी मेरी धीरे धीरे ऊपर बढ़नी स्टार्ट, मैंने कोई एक्सेलेटर नहीं लिया, वापस मैंने पूरा क्लच दबाया, गाड़ी धीरे धीरे रुकनी स्टार्ट हो गई, क्योंकि चढ़ाई है तो ऑटोमेटिक रुकनी स्टार्ट हो गई। मैंने फिर ब्रेक ले लिया यहाँ पे, फिर मैंने धीरे धीरे क्लच, एड़ी मेरी हवा में 1% भी नहीं आ रही, आप क्लच का कंट्रोल देखेंगे। धीरे धीरे मैंने फिर क्लच को रिलीज किया, इंजन वाइब्रेट करने लगा, आप यहां पे देखिए मैंने अभी तक ब्रेक नहीं छोड़ा, देख रहे हैं इंजन कितनी तेजी से वाइब्रेट कर रहा है। मैंने फिर ब्रेक को रिलीज किया, गाड़ी धीरे धीरे वापस बढ़नी स्टार्ट हो गई, फिर मैंने पूरा क्लच दबा लिया और हल्का सा ब्रेक ले लिया, गाड़ी वापस स्टॉप हो गई। 90% न्यू विगनर होते हैं वो क्या करते हैं, थोड़ा सा क्लच छोड़ते हैं और उसके बाद ये ब्रेक छोड़ देते हैं। अब ये देखो गाड़ी मेरी कहां जा रही, पीछे, फिर वो क्लच छोड़ेंगे तो गाड़ी ऐसी कंडीशन में बंद होने की चांसेस। पूरा क्लच दबाया, मैंने ब्रेक ले लिया, फिर मैंने धीरे धीरे क्लच को छोड़ा, जब इंजन वाइब्रेट करने लगे पूरी तरीके से, जब आपको लगे कि अब इंजन आगे की तरफ खींच रहा है, टायर आगे की तरफ खींच रहे हैं, आप ब्रेक छोड़ो, गाड़ी पीछे नहीं जाएगी 1% भी, गाड़ी बढ़ गई। तो ये था दोस्तों फर्स्ट नंबर, क्लच कंट्रोल करने का पहला नंबर। अब बात करते हैं सेकंड नंबर की, सेकंड नंबर में क्लच को कैसे कंट्रोल करना है। मैंने पूरा क्लच दबाया, ब्रेक ले लिया, अपना गियर डाल दिया,
अब मैंने ब्रेक लगा रखा है, ये देखो धीरे 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 मैंने क्लच को रिलीज किया और मैंने हल्का से जैसे इंजन वाइब्रेट करने लगा मैंने फट एक्सीलेटर लेके हल्का सा गाड़ी बढ़ा ली, ये बढ़ गई गाड़ी मेरी। फिर वापस मैंने पूरा क्लच दबाया, ब्रेक ले लिया, धीरे 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 मैंने क्लच छोड़ा, जैसे हल्का सा इंजन वाइब्रेट हुआ हल्का सा एक्सीलेटर लिया गाड़ी बढ़ा दी, ये बढ़ गई वापस। फिर मैंने पूरा क्लच दबाया, धीरे से ब्रेक ले लिया, फिर जैसे हल्का सा क्लच जैसे इंजन फटाफट मैंने फिर वापस हल्का एक्सीलेटर लेके गाड़ी सी बढ़ा ली, फिर वापस मैंने पूरा क्लच दबाया ब्रेक ले लिया, कि मतलब एक सेकंड का आपको मौका मिलता है, एक सेकंड का। फिर मैंने धीरे धीरे क्लच छोड़ा, जैसे इंजन वाइब्रेट करने लगा फिर मैंने हल्का सा एक्सीलेटर लेके गाड़ी को बढ़ा लिया। तो दोस्तों ये था सेकंड नंबर कि हल्का सा एक्सीलेटर के साथ हम गाड़ी को बढ़ा सकते हैं, हल्का सा एक्सीलेटर के साथ हम गाड़ी को बढ़ा सकते हैं। फर्स्ट गियर में इतनी ताकत होती है दोस्तों कि वो बिना एक्सीलेटर भी खींच ले जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों थर्ड नंबर की, तो थर्ड नंबर पे आ जाता है हैंड ब्रेक। मैंने हैंड ब्रेक लगा दिया, मेरा पैर ये फ्री हो गया, राइट वाला मेरा पैर फ्री हो गया, मैंने पूरा क्लच दबा रखा है। अब मैंने क्या करना है, ये धीरे धीरे मैंने क्लच को रिलीज किया, धीरे 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 इंजन वाइब्रेट करने लगा, मैंने ये हैंडब्रेक अनलॉक कर दिया, धीरे धीरे मेरी गाड़ी बिना एक्सीलेटर ऊपर चलनी स्टार्ट हो गई। देख रहे हैं 1% भी मैंने एक्सीलेटर नहीं यूज किया है। वापस मैंने पूरा क्लच दबाया, गाड़ी मेरी रुक गई और ये मैंने वापस हैंडब्रेक लगा दिया, यहाँ पे लग गया, हैंडब्रेक का सिंबल भी आता है यहाँ पे। वापस मैंने धीरे धीरे क्लच को रिलीज किया और जैसे इंजन वाइब्रेट करने लगा बटन दबा के मैंने हैंडब्रेक को अनलॉक कर दिया। हैंडब्रेक को मुझे तभी अनलॉक करना जब पूरी तरीके से गाड़ी मेरी गियर में एक्टिव हो जाए, पूरी तरीके से गाड़ी जब मेरी गियर में एक्टिव हो जाएगी तभी मुझे हैंडब्रेक अनलॉक करना। अगर उससे पहले मैं हैंडब्रेक अनलॉक कर दूंगा तो गाड़ी का इंजन बंद हो जाएगा या गाड़ी पीछे चली जाएगी। मैंने फिर वापस क्लच दबा लिया, गाड़ी मेरी धीरे से रुक गई। अब मैंने गाड़ी खड़ी होने से पहले ये मैंने हैंडब्रेक खींच दिया, पीछे नहीं जाने दिया 1 इंच भी। फिर मैंने अगर मैं हैंडब्रेक पहले जैसे भी मैंने क्लच दबा रखा, कुछ लोग क्या करते हैं वो क्लच रिलीज पूछ थोड़ा सा क्लच छोड़ा उसके बाद हैंडब्रेक ऐसे, अब देखो गाड़ी मेरी पीछे जा रही है फिर वो हैंडब्रेक खींच देते हैं, तो उनका मैचिंग नहीं हो पाता। हैंडब्रेक कभी भी आपको पहले नहीं अनलॉक करना है। जैसे धीरे धीरे क्लच छोड़ा, ये देखिए इंजन वाइब्रेट कर रहा है, हैंडब्रेक स्विच पहले से उसका बटन दबा के रेडी हो जाओ। ये धीरे से मैंने हैंडब्रेक हटा दिया, धीरे 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 मेरी गाड़ी बढ़नी स्टार्ट हो गई। 1% भी मैं एक्सीलेटर का यूज नहीं कर रहा हूँ और काफी ऊंचा फ्लाईओवर है, ये जनेश्वर वाला फ्लाईओवर है काफी ऊंचा, गाड़ी अपने आप जा रही है। मैंने ये वापस पूरा क्लच दबाया, इंजन फिर फ्री हो गया, जैसे गाड़ी रुकी मैंने हैंडब्रेक लगा दिया ताकि गाड़ी पीछे न जाए। अब अगर मैं पहले हैंडब्रेक अनलॉक कर देता हूं तो गाड़ी मेरी जा रही है दोस्तों पीछे। तो कभी भी हैंडब्रेक आपको पहले नहीं, ये इंजन का ये समझना है, ये क्लच वाला पॉइंट देखिए, देख रहे मोमेंटम इसका देखिए आप, जैसे इंजन वाइब्रेट कर रहा है मैंने ये धीरे से फिर हैंडब्रेक अनलॉक कर दिया, गाड़ी बढ़नी स्टार्ट हो गई। अब मैं वापस इसको स्टॉप करता हूं दोस्तों, पूरा क्लच देन ब्रेक। अब बात करते हैं फोर्थ नंबर, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर थर्ड नंबर तो आपको मैंने बता दिया क्लच के बारे में, अब मैं आपको बताता हूं फोर्थ नंबर। मान लो सपोज हैंडब्रेक भी आपका वर्क नहीं कर रहा है, हैंडब्रेक वर्क और आप हिली एरिया पे, तो आपको क्या करना है, ये देखिए आपने ब्रेक लिया और ये पैर ऐसे रखना है, ये देखिए ये ऐसे पैर रखना है, आधा पैर जो आपका है वो रहेगा ऐसे करके, ऐसे हल्का सा एक्सेलेटर पे और हल्का ब्रेक पे, ये देखिए ठीक। अब मैंने यहाँ क्या करा है, मैंने धीरे धीरे क्लच को छोड़ा और धीरे धीरे मैंने एक्सेलेटर देना स्टार्ट कर दिया यहाँ से, ये देखो ये धीरे धीरे मेरी गाड़ी बढ़नी स्टार्ट हो गई, आधा पैर मेरा एक्सेलेटर पे और आधा ब्रेक पे है। फिर मैंने वापस पूरा क्लच दबा के और ब्रेक ले लिया, ये ठीक है, हल्की सी मेरे शूज की एकदम नोक है। फिर मैंने धीरे धीरे क्लच छोड़ा, धीरे 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 फिर मैंने हल्का हल्का एक्सेलेटर लेने स्टार्ट कर दिया, ये देखो धीरे धीरे गाड़ी बढ़नी स्टार्ट हो गई। फिर मैंने पूरा क्लच दबाया और ब्रेक ले लिया, ये फिर हल्का सा मैंने ये पैर टेढ़ा रख रखा है। फिर मैंने धीरे धीरे क्लच को छोड़ा और पंजे को मैं दबाऊंगा और धीरे धीरे एड़ी को उठाऊंगा, फिर मेरी गाड़ी बढ़नी स्टार्ट हो गई है, यहाँ हैंडब्रेक की कोई जरूरत नहीं। फिर मैंने पूरा क्लच दबाया और ब्रेक ले लिया, यहाँ से देख रहे हैं ये ब्रेक ले लिया, खाली नोक है शूज की मेरी। फिर मैंने धीरे धीरे क्लच को छोड़ा और धीरे 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 मैंने हल्का सा ये हल्का एक्सीलेटर पे पैर है मेरा और ये धीरे से। तो दोस्तों इस तरीके से भी आप अपनी गाड़ी को इजिली बहुत आराम से इसको मूव कर सकते हैं, कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। फर्स्ट गियर में गाड़ी को आप क्लच के कई पैटर्न है, तो अगर आप इस तरीके से धीरे धीरे अगर आप अपनी गाड़ी को चलाना चाहते हैं तो कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, आप अपनी कार को बहुत आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम, हंसते रहो मुस्कुराते रहो, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।